से बड़ी खबर, एडीजी क्राइम दिनेश रमन के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वन्य जीव अंगों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में यह कार्रवाई हुई। सीआरपीएफ के उप निरीक्षक के घर से 8 किलोग्राम वजनी हाथी दांत बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस दांत की कीमत जो बताई गई है वो है 1.5 करोड़ रुपया। कोयंबटूर से तस्करी कर हाथी दांत लाया गया था। पीएचक्यू क्राइम ब्रांच की सूचना पर उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा एक्शन है, अंगों की वन्य जीव अंगों की तस्करी करने वालों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में कार्रवाई हुई। सीआरपीएफ के उप निरीक्षक के घर से 8 किलोग्राम वजनी हाथी दांत बरामद किया गया। यानी सीआरपीएफ का ही उप निरीक्षक था, उसके घर से 8 किलोग्राम वजनी हाथी दांत बरामद हुआ है। और अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत की बात की जाए तो वो है 1.5 करोड़ रुपया। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, ये बड़ी कार्रवाई की गई है लेकिन सीआरपीएफ के उप निरीक्षक के घर से ही 8 किलोग्राम वजनी हाथी दांत का बरामद होना भी कई सवाल खड़े करता है। पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो सीआरपीएफ का जो उपनिरीक्षक है उसने कोयंबटूर से तस्करी करके ये हाथी दांत लाया था और अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है, लेकिन सीआईडी क्राइम ब्रांच को इसकी भनक पड़ी। उसके बाद में उदयपुर की सवीना थाना पुलिस को साथ में लेकर इस उपनिरीक्षक घर पे रेड की गई, जिसके अंदर 8 किलोग्राम जो हाथी दांत है वो उसके पास से मिल गया है। उसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के कहने से इसने कोयंबटूर से यह हाथी दांत तस्करी करना स्वीकार किया है। फिलहाल से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि पता लगाया जाए कोयंबटूर में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करते हैं, जिससे कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से गलत है। वन्य जीवों के जो अंग तस्करी होती है उसको रोकना पुलिस का मकसद है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। फिलहाल जो उप निरीक्षक है उससे पूछताछ की जा रही है। पूनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।